क्या जिनपिंग की जिद युद्ध कराकर मानेगी? जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रहा है उससे पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है, लेकिन आतंकवाद के लिए विश्व में कुख्यात पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा है। कायर और आतंक पसंद पाकिस्तान चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर दिख रहा है। चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइन उल हक ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित के संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के अंदर प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स के रूप में पाकिस्तान और चीन हमेशा कई चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान चीन की गलत नीतियों के आगे सरेंडर क्यों है, जबकि पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में आतंक परस्त देश की बनी हुई है। उसकी धरती कई दशकों से आतंकियों के लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन भारत जैसे शांतिप्रिय देश हमेशा यही मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध के हालात ना बने, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो उसका असर पूरी दुनिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमेनिक ने कहा है कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका और जापान ताइवान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि रूस और पाकिस्तान चीन के साथ खड़े दिखेंगे। अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोगों की मौत तय है। साल 1951 में कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर लाखों टन बम बरसाए थे, लेकिन इस बार उससे बड़ी तबाही होगी। चीन अपनी मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए है। मिसाइल, युद्धपोत, फाइटर जेट्स के बाद अब उसने युद्धाभ्यास में ड्रोन्स को उतार दिया है। ये ड्रोन्स जापान के नजदीक से उड़ते हुए ताइवान की ओर आते हैं। इसकी वजह से ताइवान की खाड़ी में तनाव की भयावह स्थिति बनी हुई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन की नौसेना और वायुसेना लगातार खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लगातार उनके जंगी जहाज और फाइटर जेट्स खाड़ी में बनी मध्य रेखा को पार करके ताइवान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने बीते कुछ दिनों में लगातार कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान की ओर दागी है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइलों को ताइवान के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों की तरफ दागा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।